टुकड़ा घूम रहा है। हाँ ये घुमा, कितनी बार काट रहा है और कितने बार जहर छोड़ रहा है, कितना हाई क्वांटिटी में हाँ। वेनम रिलीज कर, बाप रे। सौरभ नहीं आता। दोस्तों हम बिलासपुर से नीरतू गांव बोल के एक जगह है, वहां पर हम रेस्क्यू करने आए और इस जगह में हम दूसरी बार आ रहे हैं। और ये बिटिया जो खड़ी है, जब हम उस समय आए थे जब ये छोटी सी थी और इनके घर में हादसा हो गया था, दुर्भाग्यवश माता जी का देहांत हो गया था, तो उस समय हम आए थे और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, सपोर्ट किया था इनको। तो आज ये बच्ची बड़ी हुई है, भगवान करे हमारा आशीर्वाद रहे, पढ़ लिख के दोनों भाई बहन आगे बढ़े। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये स्विच रूम है, वहाँ पर खेत में पानी डालने के लिए मोटर लगा हुआ है। तो ये पिछले कब से परेशान है आप लोग? कल से परेशान है। तो वहाँ बिग साइज का एक कोबरा है, अंदर जा सकते हैं अपन? चलो चलो देख के ना। और यहाँ पर ये ऑन करने आते हैं और आए भी थे, उसी समय इनके चेहरे के सामने ये कोबरा बैठा, वो भी बिग साइज का। तो चलिए मुझे भी बहुत सावधानी पूर्वक काम करना है, भागने नहीं देना है उसे। कहाँ मूव कर रहा है? ये इधर है, उधर लौट दो ना मेरे को, लाइट दिखाते रहो। अरे तुम यार, वो देखो देखो देखो, छानी के ऊपर ऊपर ऊपर। अरे यार चलो चलो, इसीलिए ना मैं किसी छूट रहे हैं, छूटेगा ही कहाँ से है? चारा नहीं है उसमें, उसका मुंडी तुम इधर, मुंडी घूम रहा है, ये आ रहा है बाहर से, आने दो। तू काटेगा तो नहीं बचूंगा दोस्त। आगे और इधर है, और आगे मुंडी को ध्यान रखना बस। जय सियाराम। मुंडी किधर है? आगे है ना, देखो देखो। हाँ तुम उस मुंडी का ध्यान देना। दोस्तों ग्लव्स को खोलना पड़ा मुझे मजबूरी में, क्योंकि ग्रिप नहीं बन रहा हाथ का, वो बाहर भाग जाएगा बेचारे, परेशान हो जाएंगे, वो बाहर निकलेगा। हाँ। अब तो मेरा पूरा ध्यान इधर ही है। माथे वाला लाइट लेना था, लाओ हेडलाइट। अरे काटना, घूम रहा है, घूम रहा है। हाँ ये घुमा लाइट को ना, भागना इधर, दिखाना यार लाइट को। हमारा ध्यान मत कर, करना रोला दिखाएगा ना, वो तो खुद पकड़े हैं। कहाँ कुछ करो, सांप कहाँ है, कहाँ कुछ, लकड़ी दो, लकड़ी यार, लकड़ी दोस्तों। मेरे हाथ में एक स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि बहुत ही घातक है, और इसके एक दंश में मेरी मौत मिनटों में हो जाए। तो चलो हमें बचते हुए इसी तरह से लोगों की हेल्प करते हैं और जीव को भी बचाते हैं, और नहीं आए तो मजबूरी में इन्हें मार देना पड़ता है। और मारने का तरीका भी इनके पास सटीक है, ये लकड़ी में ब्लेड लगाते हैं और ब्लेड से उसके बॉडी को फाड़ देते हैं, ऐसे ही मारते ना गांव में। तो लेकिन नहीं मारना चाहिए, इन जीवों का पर्यावरण में रहना जरूरी है। देखिए दोस्तों कितना गुस्सा है, पैनिक है, ये लकड़ी को भी काट रहा, छोड़ रहा नहीं है। अगर मुझे पाएगा तो कितनी बुरी तरह से मेरे शरीर में जहर डालेगा। तो ये इसका जहर हाइली न्यूरोटॉक्सिन होता है, देखिए कैसा चाशनी की तरह जहर निकल रहा है, आप देख सकते हैं इस लकड़ी में पूरा जहर भर दिया। और ये कहीं मेरे शरीर में कट होगा, घाव होगा, अगर उसमें लगेगा तो काटने के काम करेगा। आपको मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से, देखिए चाशनी की तरह बह रहा है जहर। गिरेगा ये, देखिए दोस्तों, लोगों को लगता है कि सांप एक बार काटने के बाद दोबारा जहर नहीं छोड़ पाता है, आप देखिए वो जितने बार काट रहा है उतने बार उस वो जहर भर के रिलीज कर रहा है, भारी मात्रा पे। दोस्तों ऐसे धोखे मत रहिएगा, ये बहुत ही घातक है और इनका जहर कभी खत्म नहीं होता है, जिस तरह से आपका थूक या लार कभी खत्म नहीं होता है, सांपों का भी जहर कभी खत्म नहीं होता है। तो क्योंकि ये उनका एक तरह से हाई प्रोटीन है, जिसके महज उससे खाना वो हजम करते हैं, क्योंकि हमारी तरह मसूड़े के दांत नहीं होते इनके, ये सांप इंसान के या जीव के शरीर पे जहर डाल के, जैसा चूहे हुए और भी अन्य सांप हुए, मेढक हुए, तो इनके शरीर में जहर डाल के वो उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, उसे इस जहर से उसका टिश्यू या सेल गल जाता है, जिसकी वजह से इसे हजम करने में बहुत आसानी होता है। देखिए कितने बार काट रहा है और कितने बार जहर छोड़ रहा है,
इतना हाई क्वांटिटी में वेनम रिलीज कर रहा है। बाप रे, चलो ठीक है, ओके। बाप रे, तो बहुत बार कट रहा है, जैसे भी चलो हटो। पलट रहे पलट रहे, इधर की मोबाइल उठाना है, पकड़ना है। वो आगे बढ़ रहा है। That's it. आली नहीं होती। लाते? इल्ला तो ले। देख कर क्या हूँ? नहीं नहीं हो गया। नहीं थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। हो गया। पूरा हाथ में जहर लग गया भाई। देख के ध्यान से। हाँ, मैं लकड़ी दिखाना चाहता हूँ। ये देखो देखो, ये पीछे से आ रहा है, फट से पकड़ मत दे। हाँ वही तो बोले ना, पकड़ मत दे। देखिए किस तरह से हम अपने जान खतरे में डाल गए। इसी तरह से आपने देखा कि डॉग अपने ऑनर को किस तरह से अलर्ट करते हैं और बताते हैं। और हमारा वीडियो हमेशा लोगों की जानकारी के लिए होता है, जिनका भी लोगों का एक धारणा है, ये कहना है कि सांप एक बार काटने के बाद उसका जहर कम हो जाता है, ये सांप के सांप उतना एक्टिव नहीं होता है, तो आप धोखे मत रहिएगा। अच्छी तरीके से मैं ये लकड़ी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, करीब 8 से 10 बार काटा है और ये लकड़ी में जहर, ये पूरा लकड़ी यहाँ से जहर से गीला होके चाशनी की तरह मेरा हाथ पूरा चिपचिपा रहा है। ये देखिए यहाँ तक है, ये देखिए, देखना उधर नीचे, पूरा नीचे तक आ गया है। तो पूरे लकड़ी को देखिए आप, ये पूरा जहर से गीला है। देखिए यहाँ सूखा कलर अलग है लकड़ी का, और यहाँ पर जहर का अलग, गीला होने की वजह से अलग कलर है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, फिर भी इन जीवों का पर्यावरण में रहना जरूरी है, क्योंकि ये हमसे पहले दुनिया में आए हैं और ये फूड चेन को कंट्रोल करते हैं, और कहीं धोखे से सांप काटता है। इनका और हमारा मिलना नॉर्मल इसलिए हो गया क्योंकि आए दिन हम इनके जगह के कब्जा कर रहे हैं, जंगलों में हम घर बना रहे हैं। प्लीज़ इनको मत मारिए। इसी तरह से हमारा वीडियो रेगुलर देखते रहिए। फेसबुक यूट्यूब में हमारा चैनल है कमल चौधरी के नाम से, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारे वीडियो से लोगों को जानकारी हो। झाड़ फूँक देसी इलाज मत करना, अगर किए तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, हमारा वीडियो रेगुलर देखते रहो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। देखो देखो देखो, इस सांप का जहर मेरे हाथ पे लग चुका था, और कहीं धोखे से कहीं मेरे कट, कहीं पर शरीर में कट हो या मेरे